सोशल स्टोरी। अगर कभी आप खो जाएं, तो क्या करें? हेलो, मैं मायरा हूँ। क्या आप जानते हैं, कुछ समय पहले मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ पास के एक मॉल में गई थी। मैंने वहाँ बहुत मस्ती की, बहुत सारे फन राइड एंजॉय किए और अपनी मनपसंद आइसक्रीम भी खाई। तभी मैंने एक उड़ता हुआ लाल गुब्बारा देखा और मैं उसके पीछे पीछे भागने लगी। आखिरकार मैंने गुब्बारा पकड़ ही लिया और मैं अपनी माँ को इसे दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने हर तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखे। पर क्या आप जानते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पहले से ही सिखाया हुआ है कि अगर मैं कभी किसी पब्लिक प्लेस में खो जाऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए। चलिए मैं आज वो टिप्स आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पहले देखें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। घबराए या रोए नहीं। इधर उधर नहीं भागे। वॉशरूम या किसी बंद जगह में न छुपे। किसी भी अनजान व्यक्ति से टॉफी या चॉकलेट नहीं ले। अब देखते हैं कि अगर आप खो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां आपके आसपास लोग हों और जहां आपको आसानी से देखा जा सके। पुलिस, फायरमैन या मॉल के सुरक्षा गार्ड से ही मदद ले। आमतौर पर यह सभी लोग वर्दी यानी यूनिफॉर्म पहने होते हैं। अगर आपको उनमें से कोई नहीं मिलता है तो पास के किसी दुकानदार से मदद ले। वे भी ज्यादातर वर्दी पहनते हैं और काउंटर के पीछे से सामान बेचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस कैसे पहुंची? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं पास की एक पुलिस आंटी के पास गई और उन्हें बताया कि मैं खो गई हूँ। फिर मैंने उन्हें अपनी जेब से एक पर्ची दी जिसमें मेरे मम्मी पापा के फोन नंबर और नाम लिखे थे। पुलिस आंटी ने मेरे पापा को फोन किया और फिर 5 मिनट में वे मुझे लेने आ गए। मैं अपनी मम्मी और पापा को देखकर बहुत खुश हुई। मैंने अपनी मम्मी से वादा किया कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पर चीजों के पीछे कभी भी नहीं भागूंगी और उनका हाथ पकड़ कर रखूंगी। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो उन सभी मम्मी पापा के लिए है जो यह वीडियो देख रहे हैं। मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे हाथ पर एक बैंड बांधते हैं जिस पर उनका नाम और फोन नंबर लिखा होता है। इसके अलावा वे मेरी जेब के अंदर इसी जानकारी वाला एक कागज भी रखते हैं। उन्होंने मुझे उनके फोन नंबर और अपने घर का पता भी बहुत अच्छे से याद करवाया है। आप भी इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। याद रखें कि अगर हम शांत रहें और घबराएं नहीं तो हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में आपने जो कुछ सीखा है उसको रिवाइज करते हैं। पहले देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। 1. घबराना या रोना नहीं चाहिए। 2. इधर उधर नहीं भागना चाहिए। 3. वॉशरूम या किसी भी बंद जगह में नहीं छुपना चाहिए। 4. किसी भी अनजान व्यक्ति से टॉफी या चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप खो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। 1. किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां आपके आसपास लोग हों और जहां आपको आसानी से देखा जा सके। 2. किसी पुलिसकर्मी, फायरमैन या सुरक्षा गार्ड की ही मदद लें। आमतौर पर ये सभी वर्दी यानी यूनिफॉर्म पहने होते हैं। 3. अगर आपको उनमें से कोई नहीं मिल रहा हो तो आपको पास के किसी दुकानदार की मदद लेनी चाहिए। अभी के लिए बाय बाय, मैं जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूंगी। और भी बहुत सी सोशल स्टोरीज देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।